मोदी के दोस्त पटनायक ने आखिर कर दिया खेल। नीतीश का मोदी विरोधी प्लान एक झटके में फेल। नवीन को मोदी विरोधी गोल में लाना चाहते थे नीतीश। मोदी के दोस्त ने निभाई दोस्ती, नीतीश को दिया झटका। लालू यादव की पार्टी आरजेडी से हाथ मिलाकर जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो बिहार में कम भारत यात्रा पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके टारगेट पर अब साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, जहां एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। एक तरफ जहां पीएम मोदी अपनी सत्ता बरकरार रखने की जंग लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार विपक्ष के अगुवा बनकर पूरे देश में घूम रहे हैं, जिससे मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को जुटा सकें। इसी सिलसिले में मंगलवार के दिन नीतीश कुमार ओडिशा चले गए, जहां पिछले 23 सालों से बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सरकार है और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ओडिशा में पटनायक की सियासी जमीन कितनी मजबूत है। शायद इसीलिए सीएम नीतीश कुमार नवीन पटनायक को भी मोदी के खिलाफ अपने पाले में करने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन लगता है विपक्ष के अगुवा बने घूम रहे नीतीश कुमार की रणनीति सीएम नवीन पटनायक के आगे फेल हो गई, क्योंकि पटनायक ने तो उसी दिन साफ कर दिया था कि गठबंधन को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। बेचारे नीतीश कुमार को पटनायक ने ओडिशा से खाली हाथ भेज दिया। No discussions were held about any alliances to deal. Thank you very much. नीतीश जी का नहीं रिश्ता है और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं कितना है और बराबर हम यहाँ आते थे। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग पे आए, उसके बाद आ नहीं पाए। इच्छा थी कि बिल ले और फिर हमारे लोग कहते हैं कहीं भी है कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी, तो आज तय कर दिए कि ठीक है। सर, यानी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन हमारा तो पुराना रिश्ता है। आप तो पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए, हम लोग इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है। 9 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की और इसके दो दिन बाद यानी 11 मई को नवीन पटनायक खुद पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्हें पीएम मोदी से मिलने के बाद एक ऐसा बयान दिया जिससे मोदी विरोधी खेमे में खलबली मच सकती है। दरअसल गुरुवार को बीजेडी नेता और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सीधे दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओडिशा की मांग के बारे में चर्चा की, मैंने उनसे श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बात की, जिसे हम पुरी में स्थापित करना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर सीमा चिन्हित किया गया है, भुवनेश्वर में अभी काफी ट्रैफिक हो रहा है, तो हम वहां का विस्तार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने मदद करने का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी के सामने सीएम पटनायक ने वैसे तो एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने थर्ड फ्रंट को लेकर जवाब दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के मोदी विरोधी फ्रंट के गुब्बारे की हवा निकाल कर रख दी। दरअसल सीएम पटनायक से जब थर्ड फ्रंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जहां तक मैं जानता हूं थर्ड फ्रंट की कोई संभावना ही नहीं है। No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. Thank you very much. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम पटनायक ने महज 21 सेकंड में जो बात कही वो पूरे विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है, खासकर विपक्ष के अगुवा बने घूम रहे नीतीश कुमार के लिए तो सबसे बड़ा झटका है।
जिन्होंने दो दिन पहले ही नवीन पटनायक से ओडिशा में जाकर मुलाकात की थी। लेकिन इतनी दूर जाकर पटनायक से मिलना भी लगता है नीतीश कुमार के काम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो मोदी के खिलाफ बनने वाले संगठन के साथ खड़े होने से ही साफ इनकार कर दिया। तो वहीं अब पीएम मोदी से मुलाकात के बाद थर्ड फ्रंट के गठन को लेकर भी कन्नी काट गए। सीएम पटनायक के इस बयान के बाद देश के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ओडिशा के सीएम ने कह दिया कि जहां तक मेरी बात है कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ये बयान सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद दिया। भारत के मौजूदा समय में सबसे लंबे समय यानी 23 साल से सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे नवीन पटनायक अपने फ्रंट के मास्टर हैं, किसी का दोस्त नहीं, किसी का दुश्मन नहीं। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट से ही आप समझ सकते हैं कि पिछले 23 सालों से ओडिशा जैसे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे नवीन पटनायक का विपक्ष को ना कहना कितनी बड़ी बात है। वैसे एक बात और आपको बता दें, देश की तमाम विपक्षी पार्टियां भले ही मोदी के खिलाफ खड़ी हो जाएं, उन्हें हराने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पाले में चले जाएं, लेकिन जहां तक बात नवीन पटनायक की है वो शायद ही मोदी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जब भी मोदी सरकार मुश्किलों में आई है नवीन पटनायक की पार्टी ने ज्यादातर मोदी सरकार का ही साथ दिया है। बात चाहे नोटबंदी का मामला हो या फिर GST का, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास मत का मुद्दा हो या राज्यसभा में उपाध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा या फिर असम में NRC का सवाल हो, नवीन पटनायक और BJD ने मुश्किल घड़ियों में हमेशा मोदी सरकार का साथ दिया है। और अब जिस तरह से मोदी के खिलाफ किसी भी थर्ड फ्रंट बनने की संभावना से इनकार करके विपक्ष को जो बड़ा झटका दिया है, इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। I am delighted that Nitish ji is here at the nomination. We are old friends and colleagues ever since the time we served in Mr. Vajpayee's We had discussions for land in Puri, 1.5 acres to be given to the Bihar government for the many tourists and pilgrims to visit the temple of Lord Jagannath. Sir, in the national media, wherever Nitish Kumar goes, they talk about the opposition unity at the 2024 poll. Was there any discussion today? Please go on. Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. Thank you. Thank you very much.